أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم हौजबिल्मतवानज़ीम बसमिल्लर रबिश रखली सदरी व यसरली अमरी वखलोल़दतमिल्लानी याफ़ाहू का उली असलकम वरहल वर्कात दोस्तों हमारा आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट और दिलचस्प है टैक्सेशन की दुनिया में बिजनेस का बड़ा अमल दखल है हम यूँ कहें कि बिज़नेस ही बेसिकली टैक्सेशन की बुनियाद है या अगर हम टैक्सेशन पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा वास्ता पड़ता है वो बिज़नेस इनकम से ही पड़ता है तो ये शायद बात गलत ना हो अगर आप स्टूडेंट हैं अगर आप प्रैक्टिशनर हैं आप टैक्स के हवाले से किसी किस्म के भी स्टूडेंट हैं तो आपको इनकम फ्रॉम बिज़नेस के बारे में अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और स्पेशली वो बच्चे या वो लोग जो अकाउंटिंग के प्रोफेशन से एसोसिएटेड हैं उनको टैक्स लॉ के अंदर बिज़नेस इनकम की टैक्सेशन का इल्म होना और उसके बारे में रेलेवेंट प्रोविजंस की अवेयरनेस का होना ये बड़ा ही अहमियत के हामिल है यूँ समझें कि इसके बगैर गुजारा नहीं तो मूव करते हैं आपने टॉपिक की तरफ आज का टॉपिक है इनकम फ्रॉम बिज़नेस इनकम फ्रॉम बिज़नेस सेक्शन 18 और 19 जो है ये यूँ समझें कि हमारा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू इनकम फ्रॉम बिज़नेस टैक्सेशन अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इसके बाद इसकी काफ़ी क्लासेस हैं जिनको अगर हम तकसीम करें तो यूँ कह सकते हैं जी कि सबसे पहले इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें ये बताया जाता है कि इनकम फ्रॉम बिज़नेस क्या है स्पेकुलेशन बिज़नेस क्या है उसके बाद इसकी अलाउेबल डिडक्शनस क्या हैं फिर एक बहुत ही अहम चैप्टर या सेक्शन कहें सेक्शन 21 जो कि मैं ये बताता है कि इनएडविजल या डिडक्शन नॉट अलाउड काफ़ी जगह पे रेफ़र हुआ है फिर इसके बाद एक स्पेशल स्पेशल प्रोविजन्स आती हैं विद रिस्पेक्ट टू डेप्रीसी विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग अकौं, मैथड विद रिस्पेक्ट टू बैड डेट्स एंड प्रोविजन्स और इस तरह करके काफ़ी डिटेल्स है मैंने कोशिश की है कि इनकम फ्राम बिजनेस को सिंप्लीफाइड वर्जन में पेश करूँ और इसी वजह से मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनानी पड़ सकती हैं आज इस वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें हम कवर करेंगे कि इनकम फ्रॉम बिज़नेस क्या है बिज़नेस क्या चीज़ होती है और स्पेक्लेशन बिज़नेस क्या होते हैं तो आज हम जो कवर करेंगे वो होगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टू का सेक्शन एटीन और सेक्शन नाइनटीन सेक्शन एटीन डील्स विद द बिज़नेस इनकम इनकम विस्पेक्ट टू प्रॉफिट एंड डेट्स इनकम विद रिस्पेक्ट टू लीज बिज़नेस एंड इनकम वि रिस्पेक्ट टू म्यूचुअल फंडस एंड रिलेटेड फ़ंडस देन सेक्शन नाइनटीन डील्स विद द स्पेकुलेशन बिजनेस और वहाँ पर हमें यह बताता है जी कि स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है और उसके साथ स्पेशल क्या ट्रीटमेंट करना है और हमने स्पेकुलेशन बिजनेस को एक आम बिज़नेस से अलग किया जाता है तो क्यों किया जाता है तो मूव करते हैं जी सेक्शन एटीन की तरफ सेक्शन एटीन का सब सेक्शन वन हमें बताता है जी कि बिज़नेस इनकम क्या होती है इन द आईज़ ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001. एक चीज़ का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है कि इनकम को हम दो किस्मों में तकसीम कर सकते हैं एक इनकम है टैक्सेबल इनकम और एक होती है अकाउंटिंग इनकम अगर आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं या आपने अकाउंटिंग पढ़ी है अकाउंट account, अकाउंट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो आप नेट प्रॉफ़िट्स को बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे जो कि ग्रॉस प्रॉफिट से सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस लेस करने के बाद फिगर आती है अब टैक्सेबल इनकम जो है वो डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू नेट प्रॉफिट या अकाउंटिंग प्रॉफिट इसमें क्या फ़र्क है ये हम बाद में जानेंगे अगली डिफरेंट जो क्लासेस या हमारे लेक्चर्स होंगे उनमें हम इसको समझेंगे सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत इनकम फ्रॉम बिज़नेस की डेफ़िनेशन में कौन कौन सी चीज़ें कवर की जाती हैं सेक्शन 18 वन का सब सेक्शन ए जो ब्रीफ़ कर रहा है वो ये कहता है कि किसी किस्म के प्रॉफिट या गेन जो आपने साल के दौरान अर्न किए भले वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के हों भले वो कॉमर्स हो ट्रेडिंग हो प्रोफेशनल आपकी कोई एक्टिविटी हु, हुई हो एडवेंचर कोई आपने किया हो आपने कोई सर्विसेज रेंडर की हो, तो ये तमाम की तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं ये आपकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ के लाएंगी और इनके ऊपर आने वाली आमदनी या हासिल होने वाली आमदनी जो है वो इनकम फ्रॉम बिज़नेस कंसिडर होगी मैनुफैक्चरिंग कंसर्न आप लोग जानते हैं अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस की जाती है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट की जाती है तो उसको हम कंसर्न बोलते हैं कॉमर्स के अंदर जो है वो चीज़ों की खरीदो फरोख्त होती है माल ले तजारत ख़रीदा जाता है और उसको बेचा जाता है प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में वो लोग जिनको हम लॉयर कह सकते हैं एक्टर कह सकते हैं डॉक्टर्स कह सकते हैं अकाउंटेंट्स कह सकते हैं और इस तरह के जो प्रोफेशनल किस्म की सर्विस प्रोवाइड करते हैं और एडवेंटेज एडवेंचर में हम यूँ कह सकते हैं जी कि आप रूटीन का तो कोई एक बिजनेस नहीं करते लेकिन आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि आपकी रूटीन से हटकर भी है लेकिन वो ऐसी एडवेंचर एडवेंचर टाइप की एक्टिविटी है कि उससे आपको कुछ प्रॉफिट्स अन हुए मैं मिसाल देता हूँ अगर आपने वैसे एक प्लाट बेचा आपके पास एक प्लाट है आप इंडिविजुअल हैं और आपने एक प्लाट बेचा तो उस प्लाट से आम, हासिल होने वाली आमदनी जो है वो आपकी इनकम फ्राम बिज़नेस की डेफ़िनेशन में तो नहीं आएगी लेकिन आप किसी एक टैक्स ईयर में पाँच छः प्लाट्स ले लेते हैं बेचते हैं ले लेते हैं बेच बेच देते हैं तो अब ये एक आपने अपने तो तौर पे तो एक एडवेंचर कर दिया आपने डिफरेंट एक्टिविटी कर दी लेकिन ये आपका बिज़नेस ही कंसिडर होगा क्योंकि आपने यहाँ से मुनाफा जो है एक रूटीन के तौर पर कमाया आपने इस एक्टिविटी को एक रूटीन एक्टिविटी बना लिया अब ज़रूरी नहीं है कि अगले साल आप ये एक्टिविटी करें अगले साल आप कोई और एक्टिविटी करेंगे तो ऐसी एक्टिविटी को हम जो है वो इनकम फ्राम बिज़नेस की डेफ़िनेशन में ले लेते हैं फिर गुड्स की सेल्स हों या सर्विस प्रोवाइड करें आप मसलन शॉपकीपर जो है वो आम तौर एक दुकानदार जो है वो चीज़ें खरीदता और बेचता है तो उसकी तमाम एक्टिविटी जो है वो इनकम फ्राम बिज़नेस में आएंगी जो माले तजारत वो ख़रीदता और बेचता है प्रोफेशनल को मैंने डिस्कस कर लिया अभी थोड़ी देर पहले और एसोसिएशन में डिफरेंट आपकी एसोसिएशन आती हैं मसलन आई सी एम ए पी है आई कैप है इस्लामाबाद क्लब है लेयर क्लब है अब ये अलग बात है कि कुछ एसोसिएशनस को कैटेगरी के, के लिए इनकम टैक्स लॉ ने एग्जम्पन दी हुई है कि भाई इनकी इनकम है पार्शली आर होली वो एक अलग फैक्टर होगा लेकिन कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल अगर मिल के कोई सर्विसेज रेंडर करेंगे या किसी किस्म की कोई सप्लाईज़ या गुड्स को सप्लाई करेंगे ख़रीदेंगे बेचेंगे उसमें तजारत करेंगे तो ये इनकम फ्रॉम बिज़नेस कंसिडर होगी आगे उसकी एग्जम्पन एक सेपरेट मैटर है फिर एक और कैटेगरी आ जाती है जिसको हम इनकम फ्रॉम बिज़नेस कंसिडर करते हैं जी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है अदारा है जो कि या इंडिविजुअल है जो के किसी टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी को लीज़ के ऊपर या किराए के ऊपर देता है हायर परचेज़ होती है या लीज़ होती है या वैसे रेंटल के तौर पे प्रोवाइड करता है उसमें प्लांट एंड इक्विपमेंट आपके कवर होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक इंडिविजुअल हूँ मैं और मैंने एक शॉप बना ली है उसके अंदर मैं लोगों को किस्तों के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें देता हूँ लैपटॉप्स देता हूँ या इस तरह की कोई चीज़ें जो है वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे देता हूँ तो ये मेरा एक बिज़नेस है दो तो ये एक लीजिंग का बिज़नेस है या समटाइम्स इसको हायर परचेज़ एग्रीमेंट या हायर परचेज का बिज़नेस भी कहा जाता है तो ऐसी बिज़नेस इंडिविजुअल हो ऐसा बिज़नेस ए पीज़ करें या कोई कंपनी करे तो ऐसे सोर्स सोर्सें हासिल होने वाली आमदनी जो है इसको हम इनकम फ्रॉम बिज़नेस ट्रीट करेंगे अब एक और सिचुएशन आ जाती है जी समाइम्स आप लोग किसी एक बिज़नेस रिलेशनशिप में होते हैं वो पास्ट का हो प्रेजेंट का हो या अपकमिंग कोई फ्यूचर का हो उससे आप इन कैश के अलावा इन काइंड चीज़ ले लेते हैं इन काइंड के अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं एक एग्जांपल लॉ ने यहाँ पर दी है जी कि आप ले फॉर ऐसे उससे इंटरेस्ट फ्री लोन ले लेते हैं अब ये जो आपने बेनिफिट या पर्कस की सूरत में किसी बिजनेस रिलेशनशिप की कंडीशन में लिया या हालत में लिया और ये प्रॉफिट या ये गेन या ये बेनिफिट इनकम फ्रॉम बिज़नेस की डेफिनेशन में आ जाएगा एक मिसाल देने की कोशिश करता हूँ कि एक डेवलपर है लैंड का डेवलपर है उसका काम है रोड्स बनाना वहाँ पे फैसिलिटीज़ किसी एरिया में देना और वहाँ पे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना और ये डील करता है जी किसी लैंड के साथ कि मैं आपकी एक हाउसिंग सोसाइटी डेवलप कर दूंगा इसके रोड्स बना दूँगा इसके तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा ये उसका बिजनेस तो है उसमें उसके अगेंस्ट वो उसे कह देगा जी कि मैं आपसे इतने करोड़ रुपया ले लेता हूँ जब वो बिज़नेस ख़त्म हो जाता है वो लैंड डेवलप हो जाती है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो जाते हुए जो लैंड लॉर्ड है उसे कहता है जी कि ये जो प्लांट एंड मशीनरी आपके पास मौजूद थी जो कि हमने आपको प्रोवाइड की थी आपकी अपनी नहीं है लेकिन हम आपको दे देते हैं क्योंकि हमारे किसी काम के नहीं है हमने रोड बना लिए हैं अब आप बेशक से ले जाएँ या उसे किसी सब्सिडाइज रेट पर दे देता है वो तो अब मार्केट रेट से अगर कम होगा या फ्री ऑफ कॉस्ट होगा तो जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज़ इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ दैट लैंड डिवेलपर समटाइम्स बल्कि मोस्ट ऑफ़ दी टाइम्स ऐसा होता है कि लैंड डिवेलपर जो हैं वो जहाँ पर किसी सोसाइटी की किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट की लैंड डेवलप करते हैं तो उनको रेजिडेंशल या कमर्शियल प्लाट्स जो हैं वो दे दिए जाते हैं ये उनकी डील होती है तो अब ऐसी सूरत में उन प्लाट्स की फेयर मार्केट वैल्यू जो है दैट विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज़ इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ द पर्सन और ऑफ द पार्टी हु इज़ गोइंग टू डेवलप दैट लैंड एरिया आई होप इट्स क्लियर फिर मैनेजमेंट फी ड्राइव बाई मैनेजमेंट कंपनी डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं तो वो अगर फी चार्ज करती हैं तो वो जो है वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस की डेफिनेशन में आता है सेक्शन एटीन वन के बाद आता है सेक्शन एटीन टू सेक्शन एटीन टू हमें गाइड करता है जी कि बाज़ात एक पर्सन जो है वो प्रॉफिट्स अर्न कर रहा होता है बाई एडवांसिंग आ लोन मतलब कर्जा देता है लोगों को लोगों को पैसे देता है और उस पैसे से बदले में सूद लेता है या प्रॉफिट्स लेता है दिस कैन बी एन इंडिविजुअल दिस कैन बी एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन दिस कैन बी अ कंपनी आमतौर पे ये बैंक्स काम करते हैं लेकिन कभी कभी ये काम जो है इंडिविजुअल या एओपीज़ भी कर रही होती हैं तो कोई भी ऐसा बंदा वो अगर किसी को एडवांस देता है लोन्स देता है और उससे वो प्रॉफिट अर्न करता है यानी कि जिसको हम प्रॉफिट एंड डेट्स बोलते हैं तो ये जो प्रॉफिट्स हैं ये इनकम फ्राम अदर सोर्सेज़ में ट्रीट नहीं होंगे बल्कि इनकम फ्राम बिजनेस ट्रीट होगा अगर हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके पढ़ें तो वहाँ पर प्रॉफिट एंड डेट की जो बात हुई है वो बेसिकली किसी एक ऐसे बंदे की हुई है जिसका ये रूटीन का बिजनेस नहीं है कि वो लोगों को पैसे दे और वो उससे प्रॉफिट ऑन डेट अर्न करे वहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि वो बंदा अपने पैसे को सेफ साइड रिजर्व के तौर पे या इन्वेस्टमेंट के तौर पे कहीं पे रखता है इंडिविजुअल हो या ए हो तो वो जो है उसको जो पैसे मिलते हैं सूद की सूरत में या मुनाफे की सूरत में तो दैट इज़ कन्सिडर्ड एज़ इनकम फ्राम अदर सोर्सेज वेर एज़ यहाँ पर क्या है जी कि उस बंदे का अगर ये काम है कि उसने लोगों को पैसा देना है लोन्स देने हैं और उससे जो है वो इंटरेस्ट कमाना है रूटीन एक्टिविटी है अगर ऐसी रूटीन एक्टिविटी होगी तो दैट इज़ टू बी कंसिडर्ड एज़ इनकम फ्राम बिजनेस तेजी से इस सेक्शन को पढ़ लेते हैं सब सेक्शन को एनी प्रॉफिट ऑन डेट ड्राइव बाय अ पर्सन वेयर द दर्सन बिजनेस यानी कि उसका कारोबार है क्या इज टू ड्राइव सच इनकम यानी कि वो रूटीन में ये काम करता है उसका ये रूटीन बिजनेस है टू ड्राइव द इनकम फ्रॉम डेट तो ऐसी सूरत में दैट इनकम या प्रॉफिट ऑन डेट शैल बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम बिजनेस ना के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नेक्स्ट चलते हैं जी सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 हमें गाइड करता है जी कि अगर आपके लीज लेंटल्स के ऊपर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने या किसी बैंक ने कोई ऐसा एसेट लीज आउट किया हुआ है भले वो एसेट उसकी ज़ाती प्रॉपर्टी है या उसने खरीद के दे दिया है या इनडायरेक्टली दिया है मसलन आपकी गाड़ियाँ जो आप लीज़ पे लेते हो या आप इंस्टॉलमेंट पे बहुत से एसेट्स अदर ऐसे व्हीकल्स भी लेते हो मशीनरी लेते हैं लैपटॉप्स की स्कीम्स आती हैं बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे रहे होते हैं इस तरह के रेंटल्स उस बैंक के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो हैं वो क्या कहलाएंगे इनकम फ्राम बिजनेस कहलाएंगे ना के इनकम फ्राम अदर सोर्सिस की डेफिनेशन में आएगा या किसी और हेड में जाएगा इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है अंडरलाइन की हुई है जी कि वो एसेट समटाइम्स जो है वो उसकी ऑनरशिप में होता है मतलब वो बैंक जो है वो गाड़ियाँ खुद खरीद के अपने पास रख के फिर दे या डायरेक्ट जो है वो पाक सुजुकी मोटर्स से या टिटा से या होंडा से आपको खरीदा खरीदवा के दे और उसको फाइनेंस कर दे दोनों सूरतों में अगर लीजिंग का बिजनेस है तो उसके लीज रेंटल जो हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज वर्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस आम तौर पे ऐसा होता ही है कि वो जो एसेट है वो उस बिजनेस के या बैंक के या फिनेशियल इंस्टीट्यूशन के या लीजिंग कंपनी की ऑनरशिप में नहीं होती वो जस्ट फाइनेंस कर रहा होता है तो इस वजह से ये यह यहाँ पर एक लाइन डाल दी गई है वेदर दैट एसेट इज़ ओन्ड बाय और नॉट बाय दैट इंस्टीट्यूशन और बिजनेस बस वो लेसर होना चाहिए वो लीजिंग का बिज़नेस कर रहा हो एटीन फोर के अंदर म्यूचुअल फंड को बताया गया जी कि होता क्या है आपके पैसे जो बैंक्स जो इन्वेस्ट करते हैं बैंक आपसे अगर पैसा लेता है तो उसको डिफरेंट शेप्स में डिफरेंट टाइप्स में इन्वेस्ट कर रहा होता है कभी उस पैसे को जो है वो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा होता है कभी उसकी जो है फर्दर कहीं और फाइनेंसिंग कर रहा होता है वट एवर द टाइप ऑफ बिजनेस अब उसमें जो भी बिज़नेस कर रहा है तो म्यूचुअल फंड की भी एक टाइप आ जाती है एक कैटेगरी आ जाती है कि बैंक या आपका जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो क्या करते हैं कि आपसे लिए हुए पैसे को कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं और वो म्यूचुअली कहीं पे आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट होती है या कैपिटल वेंचर कैपिटल फ़ंड होता है प्रॉपर्टी सॉरी प्राइवेट इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है तो किसी सूरत में भी कहीं पे इन्वेस्ट करेगा एक बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी तो उससे हासिल होने वाली म्यूचुअल फंड से या वेंचर कैपिटल फंड से या प्राइवेट इक्विटी से जो पैसा या आमदनी हासिल होगी उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ट्रीट नहीं किया जाएगा ये कैटेगरी के, के लिए एटीन फोर में बता दिया गया है कि दैट इज़ टू तो बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्राम बिजनेस एक बैंकिंग कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर अपने फंड्स को अपने पैसे को अपने जो उसके पास फाइनेंस हैं उनको कहीं पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा तो उस म्यूचुअल फ़ंड से जो आने वाला मुनाफ़ा होगा जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं ट्रीट होगी क्योंकि बैंक का बिजनेस ही फंड्स के साथ प्ले करना होता है फंड्स को इन्वेस्ट करना होता है उनसे मुनाफा कमाना होता है लोगों से वो फंड्स लेते हैं और उसी फंड्स को आगे डिफरेंट शेप में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं दैट कैन बी अ म्यूचुअल फ़ंड दैट कैन बी अ सम अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट मूव करते हैं जी यहाँ पर हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस कवर कर लिया सेक्शन नाइनटीन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमें गाइड करता है जी कि स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है अब यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने कि इनकम फ्रॉम बिजनेस इज़ टू बी कंसिडर्ड एज सेपरेट फ्रॉम द स्पेकुलेशन बिजनेस स्पेकुलेशन बिजनेस होता क्या है ये हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देख लेंगे लेकिन एक मेन आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है कि हम यहाँ पर स्पेकुलेशन बिज़नेस को सेपरेटली क्यों पढ़ रहे हैं या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने इसके लिए अलहदा से स्पेशल क्लाजिज़ क्यों दी हैं वो उसकी रीज़न जो है दैट इज़ ओनली कि इनकम फ्रॉम बिजनेस को आपने सेपरेट ट्रीट करना है और अगर आपका कोई स्पेकुलेशन बिजनेस है स्पेकुलेशन बिज़नेस होते क्या है इसको हम अभी चंद लमों बात समझ लेंगे तो उसको हमने सेपरेटली ट्रीट करना है और उसकी सेपरेट अकाउंटिंग होगी टैक्स अकाउंटिंग होगी और फिर अकॉर्डिंगली उसके ऊपर टैक्सेशन जो है वो कैसे करनी है ये गाइडलाइंस जो हैं आने वाले चंद लम्हों में मैं आपके साथ शेयर करूंगा नाइनटीन टू में बताता जी स्पेकुलेशन बिजनेस है क्या चीज इन अ ले मैन लैंग्वेज एक सादा जबान में एक आम आदमी की समझ के लिए स्पेकुलेशन बिज़नेस क्या है एक ऐसा बिज़नेस या एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर आपने कोई कमोडिटी या शेयर स्टॉक किसी किस्म की कोई चीज़ ख़रीदनी है और उसको बेचना है विद द स्पेसिफाइड पीरियोडिक्स दो हफ्ते बाद महीने बाद छः महीने बाद क्वार्टरली तीन महीने बाद एक ख़ास टाइम के बाद लेकिन वो जो चीज़ आप खरीदते या बेचते हैं उसकी फिजिकल मूवमेंट नहीं होती आप उसको फिजिकली एक्सचेंज नहीं करते या डिलीवर नहीं करते या ट्रांसफर नहीं करते बस वो कागज़ों में होती है वो नोशनल होती है वो इमेजिनरी होती है या बुक्स में सिर्फ होती है कोई ऐसा बिजनेस जिसके अंदर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं लेकिन उस चीज की विच इज बींग सोल्ड और परचेस्ड उस चीज की फिजिकल मूवमेंट नहीं होती बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री होती है या बुक्स के अंदर जस्ट उसकी एंट्री होती है तो ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलेंगे स्पेकुलेशन बिजनेस फिजिकल मूवमेंट नहीं होगी किसी चीज की अगर और वो चीज खरीदी जा रही है परचेज हो रही है तो ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे स्पेकुलेशन बिजनेस अब तीन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने सेक्शन नाइनटीन टू ने एक्सक्लूड कर दिया है कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो दैट इज़ नॉट टू बी कन्फ्यूज विद स्पेकुलेशन बिज़नेस उसको कन्फ्यूज़ नहीं करना आपने इसको हम स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं मानेंगे एक ऐसी सिचुएशन है जी जिसमें अगर कोई रॉ मटेरियल या आपने कोई मर्चेंडाइज यानी कि फिनिश गुड्स परचेज़ करनी है और वो उसके अंदर आप फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई आज हम बैठे हुए हैं फर्स्ट जुलाई 2020 में आपने मुझे सितंबर फर्स्ट 2020 को एक्स वाई जी की चीज़ प्रोडक्ट फिज़िकली डिलीवर करनी है इतने रेट के ऊपर और इसका पर्पज़ ये होता है कि प्राइसेस वेरिएशन ना आ जाएं हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कि हमने ये काम एडवांस में कर लिया रेट आज डिसाइड कर लिया चीज़ फिज़िकली डिलीवर होगी फर्स्ट सितंबर 2020 को अज्यूम कर लेते हैं जी एक शुगर मिल है वो गन्ने का कारोबार करती है और गन्ना ख़रीदती है और उससे चीनी बनाती है अब शुगर मिल आज फर्स्ट जून या फर्स्ट जुलाई 2020 को मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि भाई आपने जनवरी फर्स्ट को 2021 को हमें गन्ने की सप्लाई देनी है और इस रेट पर देनी है गन्ने की सप्लाई फिजिकली एक्चुअली फैक्चुअली होगी लेकिन एडवांस में आप एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है जो कि रॉ मटेरियल या सप्लाई ऑफ गुड्स मर्चेंडाइज़ या मर्केंटाइल का वर्ड यहाँ पे ला में यूज़ हो रहा है ऐसी चीज़ें अगर आपने लेनी खरीदनी या बेचनी होंगी तो ऐसे बिजनेस को स्पेकुलेटिव बिजनेस या स्पेकुलेशन बिज़नेस की डेफिनेशन में नहीं लिया जाएगा वाइड सेक्शन नाइनटीन टू सेक्शन या सब क्लास ए सब क्लास बी क्या कह रही है जी कि समटाइम्स आप जिस तरह वहाँ पर मर्चेंडाइज़ या रॉ मटेरियल की बात होती है इसी तरह आप स्टॉक्स एंड शेयर्स को परचेज़ एंड सेल करते हैं फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन को अवॉइड करने के लिए आप एक डीलर जो है उसके साथ एंटर हो जाते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और उससे कहते हैं जी कि आपने मुझे ये वाले शेयर्स जो हैं वो इतने अरसे के बाद या फलां डेट को इतनी प्राइस पे देने हैं आप फील कर रहे हैं जी कि प्राइसिस के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है प्राइसिस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही हैं तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन फिजिकली वो शेयर्स आपके पास आएंगे, स्टॉक्स जो हैं वो आपके पास आएंगे, उसकी प्रॉपर आपकी हैंडिंग टेकिंग होगी तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ नॉट टू बी कंसिडर्ड एज स्पेकुलेशन बिजनेस एंड द थर्ड कैटेगरी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इज इंटर्ड इन टू बाई अम्बर ऑफ फॉरवर्ड मार्किट आर अट्टा एक्सचेंज इन द कोर्स ऑफ एनी ट्रांजेक्शन इन द नेचर ऑफ जॉबिंग आर्बिट्रेज टू गॉड अगेंस्ट एनी लॉस विच मे अराइज इन दर्डनरी कोर्स ऑफ अ बिजनेस एज सच अम्बर कि एक स्टॉक एक्सचेंज या फॉर्वर्ड मार्किट के साथ जो है वो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है इन ऑर्डर टू अवॉइड द या गॉड द लॉस अगेंस्ट द फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशंस तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो कैटेगरी जो है या ये कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी जो है दैट डजन फॉल्स अंदर अ स्पेकुलेशन बिजनेस अब हम सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 को देखेंगे जी कि स्पेकुलेटिव बिज़नेस या स्पेकुलेशन बिजनेस के हवाले से कानून क्या कहता है टैक्स का लॉ क्या कहता है इसको सेपरेट क्यों किया गया है लॉ ये कहता है जी कि नाइनटीन वन ए में कि ऐसा बिजनेस जिसको स्पेकुलेशन बिज़नेस की डेफिनेशन में हम ट्रीट करेंगे या ऐसा बिज़नेस जो कि स्पेकुलेशन बिज़नेस की डेफिनेशन में फॉल करता है उसको हम सेपरेट बिज़नेस के तौर पे ट्रीट करेंगे आपका एक बिज़नेस है लाइक फॉर एग्जांपल आप एक स्पेकुलेटिव बिजनेस करते हैं उसके साथ ही आप जो है वो एक नॉर्मल सेल परचेज़ का बिज़नेस करते हैं अब एक जो स्पेकुलेटिव बिजनेस होगा उसको उसकी अकाउंटिंग सेपरेट होगी उसकी इनकम सेपरेट होगी उसमें से उसकी डिडक्शन या एक्सपेंसेस लेस सेपरेट होंगे और उसके बाद जो उसका प्रॉफिट या गेन होगा ऑन दैट स्पेकुलेटिव बिजनेस या थ्रू दैट स्पेकुलेटिव बिजनेस उसको लाइन आइटम के तौर पे इनकम फ्रॉम बिजनेस में ट्रीट करेंगे मतलब ये है कि इसकी टैक्सेबल इनकम को सेपरेटली आप पहले अकाउंट फार करेंगे उसकी अकाउंटिंग करेंगे उसको कैलकुलेट करेंगे जब वो सेपरेटली कंप्यूट हो जाएगी तो उस अमाउंट को आप फिर क्या करेंगे एक लाइन आइटम के तौर पर जो आपका रूटीन का बिजनेस है जो आपकी शेयर परचेज या ट्रेडिंग हो रही है जिसमें फिजिकली चीज़ें सेल परचेज हो रही हैं वहाँ पे आप लिखेंगे इनकम फ्राम या गेन फ्राम स्पेकुलेशन बिजनेस फ्लां फ्लां एक लाइन आइटम के तौर पे आखिरी आइटम में आप अप कर लेंगे जब हम इसके कहीं पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसकी मजीद समझ आ जाएगी यहाँ पे जस्ट इसकी लॉ की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है कि लॉ कर क्या रहा है या लॉ कह क्या रहा है एक और बात जो कर रहा है सेक्शन सिक्सटी के को रेफर कर रहा है नाइनटीन बी वो ये कहता है जी सेक्शन 67 बेसिकली डील करता है अपॉर्शनमेंट ऑफ द डिडक्शंस कि अगर आपके जो दो डिफरेंट बिजनेसेस हैं या दो डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम हैं या एक आपका एक्सपेंडिचर जो है वो किसी एक बिज़नेस सोर्स में यूज़ हो रहा है और एक उसके साथ ही उसका एक पार्ट जो है उसी एक्सपेंस का वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है तो उसको आपने प्रो रेटा बेसिस पे प्रॉपर एक लैजिटमेट तरीके से एक रीज़नेबल बेसिस पे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे शेयर करना है जो जिसका हक है जो एक्सपेंस जिस पर्पज़ के लिए हुआ है आपने अकॉर्डिंगली उसी को चार्ज ऑफ करना है अज्यूम करते हैं जी आपकी एक बिजनेस है उसके ऊपर एक्सपेंस आया हुआ है किसी बिल्डिंग की एग्जांपल ले लेते हैं जी एक बिल्डिंग है उसका रेंट है रेंटल आप फिफ्टी बिल्डिंग को यूज़ कर रहे हैं आपने एक शॉप के लिए और रिमेनिंग 50 परसेंट को आपने सबलेट किया हुआ है रेंट आउट किया हुआ है अब पचास हजार रुपया उसके ऊपर रेंटल्स आ रहे हैं मंथली रेंटल्स पे कर रहे हैं आप पचास फीसद हिस्सा जो है दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर वर्ट बिजनेस एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग इज बींग यूज फॉर सबलेटिंग सब लेटिंग के लिए कानून मौजूद है कि सब लेट अगर आप करते हैं और उससे रेंटल्स इनकम लेते हैं तो दैट इज टू बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो अब इस पचास हजार रुपये के रेंटल में से पच्चीस हजार रुपये जो हैं वो आपके ट्रीट होंगे बिजनेस एक्सपेंस और रिमेनिंग ट्वेंटी फाइव परसेंट जो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ जो हैं दैट विल बी ट्रीटेड एज अलाउएबल डिडक्शन फ्राम द रेंटल इनकम ऑफ सब लेटिंग जो कि आपकी इनकम फ्राम अदर सोर्सेज में होगी और वहाँ पर अकॉर्डिंगली ट्रीट होगी आई होप इट्स क्लियर सेक्शन सिक्सटी सेवन को थोड़ा सा रेफ़र किया गया है तो यहाँ पर ये यह बताता है नाइनटीन वन बी के सिक्सटी सेवन में जिस तरह अपोर्शनमेंट की बात हुई है उसको अकॉर्डिंगली आपने ट्रीट करना है और स्पेकुलेशन बिजनेस पे सेपरेट हेड के तौर पे आपने उसको अपोर्शन करना है वो आपका है, जो प्रोडेटा बेसिस पे एक्सपेंसेस आएंगे स्पेकुलेशन बिजनेस के उसको सेपरेट ट्रीट करके उसको सेपरेटली अकाउंटिंग करनी है उसकी जिस मैंने नाइनटीन ए में अभी बताया और उसके बाद आगे जाके वो बताता है जी नेक्स्ट सेक्शन में कैन प्रॉफिट एंड गेन्नस राइजिंग फ्राम द स्पेकुलेशन बिजनेस फॉर अ टैक्स ईयर कंप्यूट इन अकॉर्डिंग्स विद दिस पार्ट शैल बी इंक्लूडेड इन द पर्सनस इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्राम बिजनेस फॉर दैट ईयर्स अब यहाँ पर क्या हुआ जी वही बात जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई कि अगर आपकी गेन या प्रॉफिट स्पेकुलेशन बिजनेस से हो रहे हैं उसको सेपरेटली आपने अकाउंट फार करना है उसकी इनकम सेपरेट होगी उसके एक्सपेंसेस सेपरेट लेस होंगे फिर उस इनकम को या गेन को आप क्या करेंगे उसको आप लाइन आइटम के तौर पे इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर दैट स्पेसिफिक ईयर जो है वो अप कर देंगे अदर जो आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस है उसके अंदर ये सिचुएशन है नाइनटीन वन सी की जहाँ पे प्रॉफिट्स या गेन फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस होंगे लेकिन लॉस भी हो तो हो सकते हैं तो लॉसेस के हवाले से थोड़ा सा डिफरेंट कानून है कि आपने उन लॉसेस के साथ ट्रीट क्या करना है या उसका लॉसेस का ट्रीटमेंट क्या होगा लॉसेस के साथ ट्रीटमेंट जो होगा वो ये होगा कि उस लॉस को आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं लेकिन अगेंस्ट द लॉस या रादर प्रॉफिट्स ऑफ एनी अदर स्पेकुलेटिव बिजनेस आपका एक लॉस हुआ किसी एक स्पेकुलेटिव बिजनेस में उस लॉस को आप उसी साल के अंदर किसी और स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंदर गेंस हुए तो उसमें एडजस्ट कर सकते हैं सेट ऑफ़ कर सकते हैं सेक्शन फिफ्टी एट को बेसिकली मैं रेफ़र कर रहा हूँ यहाँ पर यह हमें इसी तरह गाइड कर रहा है कि उसी साल में किसी और स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस नॉर्मल बिजनेस लॉस नहीं और इनकम नहीं स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस को स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में सेट ऑफ करेंगे और अगर उसमें पूरा सेट ऑफ नहीं होता तो डेट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट सिक्स ईयर अगले छः सालों तक लेकिन लॉस ऑन स्पेकुलेटिव बिजनेस या स्पेकुलेशन बिजनेस काट बी सेट ऑफ़ आर कैरी फॉरवर्ड आर एडजस्टेड अगेंस्ट द लॉसिस ऑफ अ नॉर्मल बिजनेस आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या होते हैं और इसके बाद स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है स्पेकुलेशन बिज़नेस के हवाले से स्पेशल प्रोविजन इन द आइज़ ऑफ़ इनकम टैक्स लॉ क्या हैं और इसके बाद जो है उनकी सेट ऑफ़ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज एंड प्रॉफिट्स जो हैं उनको हमने कैसे डील करना है नेक्स्ट क्लास में इन हम कोशिश करेंगे कि ये समझें कि इनकम फ्राम बिजनेस के अंदर अलाउेबल डिडक्शंस कौन सी हैं सेक्शन ट्वेंटी और कौन कौन सी ऐसी डिडक्शंस हैं विच आर टू बी कंसिडर्ड एज़ नाट अलाउड इन द आईज़ ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टू थाउजेंड वन मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन ट्वेंटी वन की सेक्शन ट्वेंटी वन इंतहाई अहम सेक्शन है मेरा कहने का मकसद कि नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंसिस नाट अलाउड इन द आइज ऑफ इनकम टैक्स लॉ वाइड सेक्शन ट्वेंटी वन तो यहाँ पे अप करते हैं जी आज की क्लास को सेक्शन एटीन नाइनटीन हमने कवर किया इनकम फ्राम बिजनेस और इनकम फ्राम स्पेकुलेशन बिजनेस